और आप देख रहे हैं महाबहस। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के रण में तीखे वार पलटवार सामने आ रहे हैं। मीरापुर में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है और कहा है कि जहां सपाई वहां बेटियां घबराएं। उधर अखिलेश यादव ने 9 की 9 सीटों पर बीजेपी को हराने का दावा किया है। नकली मुस्कान वाला तंज कसा है। सीएम योगी का वार, जहां सपाई बेटियां घबराए। आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। बेटियों पर घमासान, अखिलेश बोले नकली है मुस्कान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि जहां जहां सपाई वहां बेटियां घबराएं। महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा। देखिए आप, देखिए आपने ही देखा महिलाओं की अध्यक्षा जी जो कह रही थी, जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, दोनों में कितना अंतर। वो भी कंफ्यूज हैं क्या बोलना चाह रही। उन्होंने कहा कि वो अपने फॉर्म भर देंगी, कोई दिक्कत होगी तो हमारी फिर जिम्मेदारी नहीं। मतलब वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है, तो अपनी जिम्मेदारी, सरकार को अपनी जिम्मेदारी से बचा रही। बताइए अगर महिला के साथ अन्याय होगा तो कैसे आप कहेंगे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर कोई बात हो जाए तो? ये कैसा भाई, कैसी चीज करना। महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होती है। अच्छा है आप सुझाव दे रहे हैं, एक जगह सुझाव बता रहे हैं, दूसरी जगह प्रस्ताव बता रहे हैं, तीसरी जगह बता रहे हैं नहीं हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, चौथी जगह कुछ और। भाई आप पहले क्लियर तो कीजिए आप चाहते क्या है। भाई आप कल कहेंगे टीचर भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए। भाई आप इस तरह की, मतलब एक कंफ्यूजन की स्थिति मत रखिए ना। आप एक कंफ्यूजन की स्थिति रख रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जैसे हमारी प्रवक्ता महोदय ने कहा बैड टच गुड टच समझती है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं अब उनसे फॉर्म भरवा लेंगे, उनके साथ कोई अगर कोई हादसा कोई बात होती है तो हम जिम्मेदार नहीं है। मतलब आप महिला सुरक्षा से बचना चाहते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि इस सरकार की मंशा क्या है। इसके मतलब महिलाएं सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में, तभी इस तरह के सुझाव इनको देने पड़ रहे हैं। इनको पता है कि इस तरह की गलतियां, इस तरह की चीजें हो रही है और हम अपनी जिम्मेदारी से बच जाए। बताइए ऐसा कोई बोलता है क्या कि अगर फॉर्म भर देंगे तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी? ये तो बहुत चिंता का विषय है, तो अपनी बात बोल के गई है। जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये दूसरी बात। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि इसीलिए देखो जहां भाजपा को आपने कहते ना, जहां भाजपा बिटिया ने वहीं पे 1090 डायल किया। आप देखो 1090 महिला समस्या के लिए कौन लेके आया था? समाजवादी पार्टी। तो कहते हैं जहां जहां पे भाजपा वहीं पे महंगाई बेरोजगारी फैलाई। इनका तो जहां भाजपा वही महंगाई बेरोजगारी, जहां ठीक है अनुराग जी, प्रियंका गुप्ता जी, तो प्रियंका गुप्ता जी, कुल मिलाकर उपचुनाव की जंग नजदीक आ रही है और अब महिला सुरक्षा एक अलग तरीके से उठाया गया इस मुद्दे को कि जहां सपाई वहां बेटियां घबराएं। आस्था जी मुझे तो लग रहा है कि जैसे महिला अगर एंकर होगी तो कई बार कहा जाएगा कि महिला कैमरामैन में वो होना चाहिए, क्यों फिर मेल कैमरामैन होना चाहिए, वो तो उनकी भी नौकरी बेचारों की जाएगी। खैर ठीक है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो पहले पुरुषों की नौकरियां खा लो, उसके बाद महिलाओं को आगे बढ़ा दो। और जब बात होती है कि महिलाओं को जब राजनीति में आगे बढ़ाओ तो बिल पास पड़ा हुआ, उसको लागू नहीं कर पा रहे। 181 पर जब राहुल गांधी जी ने कॉल किया तो फोन किसी ने उठाया नहीं। ये महिलाओं की सुरक्षा का उत्तर प्रदेश में हाल। बलात्कारियों को आप जो है रिहा कर देंगे, उनको माला पहनाएंगे, उनको मिठाई खिलाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए बेटियों की सुरक्षा? जब आप मणिपुर पर मुंह नहीं खोल पाएंगे, आप जो है पेरोल बलात्कारियों को फरलो देंगे, उसके बाद आप उम्मीद करेंगे कि जो है बलात्कार ना हो इस देश में? अरे आप खुद बचा रहे हैं, आपके जो क्या नाम है राम दुलारे गौड़ थे उनके ऊपर आरोप था एक बेटी की इज्जत लूटने का, वो भी माइनर बेटी की इज्जत लूटने का, उसके बाद भी उनको टिकट दिया गया, उसके बाद भी उनको चुनाव लड़ाया गया। आपके आईटी सेल के जो लड़के थे उन्होंने बलात्कार किया, घूमते रहे 2 महीने प्रचार किया। तो वास्तव में आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि वाकई में क्या महिला सुरक्षा के लिए आप उत्सुक हैं या नहीं है। ठीक है, महिलाओं जवाब अनिला जी से लेंगे, लेकिन इस परिस्थिति को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। वेदभूषण जी हमारे बीच में, पूर्व पुलिस अधिकारी सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जो महिला आयोग का प्रस्ताव है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उससे रुकेगा? काफी है क्या ये इतना कि अब महिलाओं के लिए हर जगह महिलाओं का बंदोबस्त हो जाए तो संभावना कम होगी कि वहां पर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा? देखिए आस्था, बहुत लंबे समय से इस बारे में बहस चल रही है। हिंदुस्तान ने महिला कोर्ट बनाई, महिला थाने बनाए,
रेप की विक्टिम की जांच के लिए, मेडिकल जांच के लिए महिला अधिकारी का होना, डॉक्टर का होना जरूरी बताया गया। जांच के लिए तय किया गया कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर महिला अधिकारी रेप के केसेस की जांच करेगी, और सैकड़ों इस तरह की कंप्लेंट और FIR इस दिल्ली के और हिंदुस्तान के अंदर, यूपी के अंदर भी है, सैकड़ों कंप्लेंट्स हैं इस तरह की कि जो ट्रेनर्स हैं वहां पर वो बिना उनकी परमिशन के उनको टच करके उनके बॉडी के पार्ट्स को टच करते हैं। लेकिन तो ये लेकिन उनका सर एक एक बुनियादी चाहिए। सवाल ये भी आता है, आप कहाँ कहाँ बैन कीजिएगा? अभी अनुराग भदौरिया जी जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर्स हैं, गायनोकोलॉजिस्ट भी आजकल मेल होते हैं, मेल नर्स होते हैं, तो आप कहाँ कहाँ बैन करिएगा? देखिए, पहली बात तो ऑप्शनल करा गया, उसमें अभी तक उन्होंने खुद क्लियर किया है, जो आपके चैनल पर बता रही थी महिला आयोग की अध्यक्षा, कि उसके बारे में कोई कानूनी प्रोविजन नहीं है। हालांकि 1 जुलाई 2024 को जो नया कानून बनाया गया है उसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रोविजन किए गए हैं। आप जिस टीवी पर बहुत लंबे समय तक विवाद रहा लव जिहाद, उसके बारे में भी कानून है। तो तमाम तरह की चीजें सरकार करती है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि कानून बनाए और सुरक्षा को सुनिश्चित करें। तो उस क्रम के अंदर यदि कोई ऐसा आदेश जिला अधिकारियों को दिया गया है तो इसमें बुराई क्या है? यदि कोई बुटीक के अंदर, जिम के अंदर या योगा कोई टीचर है, यदि महिला यदि है अवेलेबल है, तो उसमें क्या नुकसान है? मैं जिस जिम में जाता हूँ, उस बहुत बहुत बड़ा जिम है, इंटरनेशनल जिम है, उसमें महिला ट्रेनर्स हैं, तो उसमें क्या बुराई है? महिला ट्रेनर किसी महिला को ट्रेन कर रही है, मेरी योगा टीचर लड़की है, तो क्या मैं उससे उनसे ट्रेनिंग नहीं लूंगा? तो इसलिए इस बात पे इतना हंगामा करना, हाय तौबा करना कि जैसे कोई ट्रेनर यदि महिला आ जाएगी, और उसमें ऑप्शनल रखा गया है कि जरूरी नहीं कि आप केवल उसी से लें। अब कोई लड़की है, आपकी बेटी है, बहू है, किसी टेलर से अपने बॉडी को टच नहीं कराना चाहती, उसको कहाँ टच करेगा, कैसे टच करेगा? आप खुद महिला हैं आस्था, आप मेरे परिवार से हैं, घर से हैं, गाँव से हैं, आप समझती हैं इस चीज को कि हम किस मानसिकता से, किस परिवार से, किस जगह से प्रियंका आते जी। हैं। तो ये तमाम चीजें प्रियंका जी, उसके बाद अनुराग जी चाहती हूँ, जब हमें हमारे पास खुद ही स्वेच्छा से सब कुछ मिला हुआ है कि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम मेल के पास जाएं या हम फीमेल के पास जाएं, फिर आप इसमें कौन सा नया रॉकेट साइंस लगा रहे हैं? इसमें क्या आप मिलिट्री कर रहे हैं? कैसे आप लड़कियों को वहां पर नौकरियां दिलवाएंगे? कैसे आप लड़कियों को चाहेंगे कि सुरक्षा मिल जाएगी जब ऑप्शनल ऑलरेडी है? आज बुटीक में महिलाएं भी हैं और फीमेल जो मेल है वो भी है। आप सैलून जाइए आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, आप जिम जाइए आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। व्हाट इज द रॉकेट साइंस दैट यू आर एडिंग? अनुराग जी, प्रियंका जी, आप बड़े बड़े शहर में रहती होंगी, आप छोटे कस्बों में जाकर देखिए, एक भी टेलर, जिम ट्रेनर नहीं है। आप बड़े शहर में रहती होंगी, आप बड़े शहर में रहती होंगी, आप गांव देहात में जाकर देखिए, वहां पर नहीं है कोई ट्रेनर, नहीं है ट्रेनर, ट्रेनर तैयारी नहीं किया महिला ट्रेनर। ठीक है अनुराग जी, उसके बाद अनिला जी जवाब दे रही है। अनुराग जी बोलिए, प्रियंका जी ठीक है। अनुराग जी, अभी अभी जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे वो खुद ही कह रहे हैं कि हम हमारी योगा इंस्ट्रक्टर महिला है, तो भाई ऑप्शन है ना, आपने योगा इंस्ट्रक्टर महिला है ना, सुरक्षित है ना, तो इसके मतलब आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई ऑप्शन आपके पास है। आप खुद ही कह रहे हैं कि हम जिस जिम में जाते हैं वहां पे महिला भी है, पुरुष भी है, महिला इंस्ट्रक्टर भी है। हमारी बीजेपी प्रवक्ता भी यही कह रही है कि आपके पास ऑप्शन है, आप जिससे चाहे उससे जिम कराइए, ये तो ऑप्शन है ना। अगर आपको दिक्कत है तो वह कानून है, शिकायत कीजिए आप। इसका मतलब थोड़ी कि हमने हमने वहां पे इंक्वायरी की, अगर मालूम नहीं है तो वो शिकायत होती है ना। ठीक है अनिला जी, आपका जवाब। नई चीज क्या बता रही है? हम अनिला जी जवाब चाहते हैं। सबसे पहली बात तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, बबीता जी ने भी क्लियर करी थी, किसी पर भी बैन नहीं है, BAN बैन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो आज पैनल पर बैठकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु हमें महिला के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, महिला अपराधिकरण पे कैसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इसकी बातें कर रहे हैं। ये मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी वही है जिसके MLA कहते हैं कि बलात्कार को अगर नहीं रोक सको तो उसका आनंद उठाओ, ठीक है ना। नहीं, क्या है बीच में क्यों बोल रही, कहां कहां से आप बिठा लेते हैं इनको, कम से कम या तो कंट्रोल करिए। जब ये बोल रही थी मैं नहीं बोल रही थी, तो एक महिलाओं के प्रति एक भैया सोच वाली कांग्रेस पार्टी, और ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण पास करवाया कांग्रेस पार्टी ने, महिला महिला सुरक्षा की, आप लोगों के समय पे महिलाएं क्या थी, महिला के नाम पर केवल और केवल सोनिया गांधी, और आप महिला के नाम पे आपने प्रियंका वाड्रा और लेकर आ गई हैं।
सारी महिलाओं की दुनिया जो है दो महिलाओं में सीमित हो जाती है कांग्रेस पार्टी में। और जहां तक समाजवादी पार्टी है, मैं क्या बोलूं, जिनके जिनके संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़के हैं, गलती हो जाती है, ये बात करते हो, वो आज हमें पढ़ा रहे हैं कि किस प्रकार से महिला का सुरक्षा करना चाहिए। चलिए आपसे बात में बात नहीं, मुद्दे पर आइए, आपको समझ में नहीं आ रही महिला आयोग की अध्यक्ष प्रियंका जी, एक सेकंड, अनिला जी को पूरा करने दीजिए, अनिला जी 10 सेकंड पूरा करिए, उसके बाद अनुराग जी बोल रहे हैं। प्रियंका जी ठीक है, आपने काउंटर किया उनको, अब बोलने दीजिए, आप दोनों एक वक्त में बोल रहे हैं, किसी की आवाज क्लियर नहीं, 10 सेकंड करती है, पूरा कीजिए अनिला जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब थोड़ी तमीज तहजीब जो कि कांग्रेस पार्टी में नहीं है, जैसे इनके नेता वैसे इनके प्रवक्ता, महिला आज सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, आज महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में एक महिला पत्रकार के कपड़े फाड़ दिए इन लोगों ने, ये बड़ा गंभीर सवाल उठा अनिला जी ने, अनुराग भदौरिया जी, मैंने सवाल पूछा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मंच से कहा कि जहां सपाई वहां बेटी घबराए, और अनिला जी जिक्र कर रही हैं महाराष्ट्र में कि क्या हुआ वहां पर एक महिला पत्रकार के साथ। आपको पता होगा कि बीएचयू घटना आपको याद है, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के थे ना, आज की घटना में बताइए, आज की घटना जवाब मिलेगा, एक जवाब मिलेगा, जो आज हुआ उस पर भी तो जवाब दीजिए ना अनुराग जी। चलिए आपने बात उठाई, लेकिन अब आज के मुद्दे पर भी बोलिए। मैं आज के ही मुद्दे पर बोल रहा हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो अनिला सिंह जी हैं, वो भी वही बात कह रही है जो हम लोग कह रहे हैं, वो कोई अलग नहीं कह रही है, वो कह रही है ऑप्शन अवेलेबल है, जिसको चाहे जिसे जिम करे, जिसके जो चाहे जिसके टेलर के पास, वो भी तो वही बात कह रही है ना। नया क्या बोल रहे हैं मैं ये सुनना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी नया क्या कहा, जो राजनीतिक विशेषज्ञ वो भी वही कह रहे हैं कि भाई वहां पे जाते हैं तो हम इंटरनेशनल जिम में जाते हैं, भाई हम तो गांव के देशी जिम में जाते हैं, वो इंटरनेशनल जिम में जाते हैं। अब इंटरनेशनल जो जिम है उसमें जो इंटरनेशनल लोग आते हैं, उसमें जो इंटरनेशनल जो उसमें सब इंस्ट्रक्टर हैं, तो भाई आप तो खुद ही कह रहे हैं कि वहां पे सभी लोग हैं, तो नया रॉकेट साइंस क्या बताए वो जानना चाहते, वो कह रहे हैं गांव देहात की महिलाओं के लिए दिक्कतें हैं, उनके लिए ऐसे हाईफाई अरेंजमेंट्स नहीं हो सकते, हर जगह आप रूरल एरियाज में जाएं तो ये सब पॉसिबल अभी तक नहीं हो सका है, गांव में जिम है और जहां पे इसके मतलब नहीं। इसके मतलब बीजेपी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यही तो हुआ ना कि अब बीजेपी की सरकार में जिम में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और पार्लर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये तो चिंता का विषय है ना, टेलर के पास जा रही महिला सुरक्षित नहीं तो चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के आते ही ना जिम में सुरक्षित है ना टेलर के पास सुरक्षित है ना, आप अगर एजुकेशन में जाएंगे तो वहां सुरक्षित नहीं, मैं तो अनुराग जी मतलब महिला सुरक्षित है ना, आप बताइए अनुराग जी जिस जिले से आप आते हैं, आप जिस जिले से, आप खुद एक अच्छे स्पोर्ट्समैन है मुझे पता है, और आप जिस जिले से आते हैं आप बता दीजिए कि वहां जिम अगर है तो वहां क्या महिला ट्रेनर्स हैं, नहीं है ना, एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, महिला ट्रेनर्स आए जिससे कि महिलाएं भी जिम जो है कंफर्टेबली कर सके। यहाँ हम मेट्रो सिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटे जिलों की भी बात कर रहे हैं, हम कस्बे की भी बात कर रहे हैं, तो इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन आप तो अप्रिशिएट करिए, राजनीति अपनी जगह है होती रहेगी, ठीक है, महिला अनुराग जी सोचने से वेद जी बोलिए, ज्यादा नहीं एक सेकेंड, मैं दूंगी मौका, डिस्कनेक्ट हो गए थे वेद भूषण जी बोलिए, क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है, कि महिला इंस्ट्रक्टर होनी चाहिए, होती भी है, उसमें नया क्या है, मैंने नया क्या करना चाहते हैं, मैंने ये बताना चाहते हैं कि असुरक्षित है महिला जिम में आजकल, यह बताना चाहते हैं कि पार्लर में असुरक्षित है, ठीक है अनुराग, मेरे पास लास्ट एक मिनट का वक्त बचा है, लास्ट एक मिनट का वक्त बचा है, ये मैंने बताना वेद भूषण जी 20 सेकंड वेद भूषण जी, आस्था जी देखिए जी, देखिए आस्था जी ये केवल गाइडलाइंस है, और आप दिल्ली को यदि आप गाजियाबाद से या किसी छोटे शहर कस्बे से कंपेयर करेंगे तो ये आपकी भूल है, क्योंकि वहां पर महिलाएं थाने में आने से रिपोर्ट लिखाने तक से डरती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का टाइम रहा हो कांग्रेस का टाइम रहा हो, आज भी समाज की स्थिति, आप ठीक है बड़ी बड़ी बात करना चाहते हैं टेलीविजन पर बैठकर, बहुत बड़ी बड़ी अपनी राजनीतिक आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, परंतु आप सत्यता से इनकार नहीं कर सकते कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी वही स्थिति है जो 50 साल पहले थी, तो आप यदि आप बहुत बड़ा क्लेम टॉल क्लेम कर रहे हैं तो ये तमाम जो महिलाओं के लिए तमाम थाने बनाए गए कानून बनाए गए इनका मतलब उसको ऑप्शनल कर देना
रहना चाहिए। तो एक अच्छी पहल सरकार ने की है, उन्होंने कोई अपनी गाइडलाइन जारी की है इसके बारे में, तो इतनी परेशानी होने की क्या जरूरत है? कुछ ना कुछ जागरूकता बढ़ेगी, कुछ ना कुछ समाज के अंदर चेतना आएगी कि किस तरह से हम अपनी बेटियों को, बच्चों को भेजें, महिलाओं को भेजें, कहाँ भेजें कहाँ ना भेजें। तो उसमें कोई यदि इस तरह का एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, सरकार ने लिया है, वहां पर महिला आयोग ने लिया है, तो उसमें इतना परेशानी की क्या बात है? ठीक है, आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है। अब मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली को आप यदि लखनऊ से या किसी गांव से कंपेयर करेंगे तो वो बिल्कुल किसी भी तरह से वाजिब नहीं है। देखिए, मेरा सीधा सा सवाल है, आपने इनिशिएटिव लिया महिला सुरक्षा के लिए, अच्छी बात है, लेकिन फॉर्म भरवाएंगे उसके बाद अगर कुछ होगा तो हम जिम्मेदार नहीं है, ये कैसी है? ये कैसा आप प्रस्ताव दे रहे हैं? ये ज्ञान आपको कहां से मिला भदौरिया जी? ये फॉर्म क्या आपके पास वो फॉर्म है भदौरिया जी? आप हवा हवाई बात कर रहे हैं क्या? आपके पास जो फार्म है, किसने कहा कि फार्म भरवाया जाएगा? किसने कहा है भदौरिया जी फार्म भरवाया जाएगा? हवा हवाई बातें कर रहे हैं। अरे तो भाई आप लड़ नहीं रहे, आप बताइए फॉर्म कहाँ है? वो किसने आपको फॉर्म दे दिया? अभी तो गाइडलाइन आई भी नहीं है पूरी तरह। समय खत्म हो गया है, मुझे डिबेट यही वाइंड अप करनी है। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यूपी महिला आयोग ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर जो अहम प्रस्ताव दिया कि बुटीक में महिला टेलर भी होना अनिवार्य होगा, तो जिम और योगा सेंटर्स में भी महिलाएं होना अनिवार्य होंगी। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि अब उपचुनाव में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर योगी वर्सेस अखिलेश लगातार हमें देखने को मिल रहा है। क्या नकली मुस्कान वाले तंज के साथ अखिलेश यादव बीजेपी को घेर पाएंगे और क्या बेटी सुरक्षा पर महिला आयोग का फॉर्मूला फिट बैठेगा? ये बड़ा सवाल है।